अस्सलाम वालेकुम। क्लास सिक्स सब्जेक्ट जनरल साइंस, टॉपिक वाटर। इन हमारा चैप्टर जो चल रहा है वह वाटर। इसका सब टॉपिक हमें पढ़ने हैं आज, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, यानी हम पानी कहाँ से हासिल करते है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था वाटर एंड इट्स यूजेस, यानी पानी हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि पानी हम हासिल कहाँ करते हैं। हम पानी जो है हर जगह इस्तेमाल करते हैं, हर एक्टिविटीज़ में, लाइफ एक्टिविटीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं। लाते कहाँ से हैं? देखो प्यारे बच्चों, आपको पता ही है हमारे घर में पाइपें होती है, ट्यूबवेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, तो वहाँ से हम पानी लाते हैं बर्तन के ज़रिए, तो पम्प, फिर घर में रखते हैं, फिर वो इस्तेमाल करते हैं। हम पानी वेल्स, हैंड पंप, रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, टैप वाटर जो है, ये नल का पानी जो है वो कहाँ से आता है, वो भी असल में कहाँ से आता है, वो भी या तो लेक्स, रिवर्स और वेल्स वहाँ से आते हैं, या स्प्रिंग्स या पॉन्ड्स से आते हैं। लेक्स, आपको पता है प्यारे बच्चों कि हम पानी जो है रेन जो होते बारिश भी वहाँ उससे भी पानी हम हासिल करते हैं। लेकिन आप याद रखना कि हमारी ज़मीन जो है 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। हमारे ज़मीन पर ज़्यादा पानी है और खुश्की कम है। अगर हम 10 हिस्से की करेंगे ज़मीन के, तो कम से कम 7 हिस्से जो है वो पानी के हैं और 3 हिस्से वो खुश्की के हैं। देखो हम पानी जो है ज़्यादा हिस्सा जो है, मोस्ट वाटर इज इन ओशंस एंड सीज, यानी बहर और समंदरों में ज़्यादा पानी होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ओशनस का पानी जो होता है वो साल्टी वाटर होता है। साल्टी वाटर का मतलब इसमें ज़्यादा साल्ट होता है। ये हम इसी साल्टी वाटर को कहते हैं सलेन वाटर। तो ये सलेन वाटर जो है, ये जो साल्टी वाटर है, ये हमारे लिए ना तो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल नीड्स, ये इसमें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते है। इसका मतलब हो गया कि ओशनस का जो पानी है इसमें ज़्यादा साल्ट हो, वहाँ से हम साल्ट यानी जो नमक जो हम खाते हैं वहाँ से इस्तेमाल हासिल करते हैं। इस तरह ये पानी जो है हम ज़मीन के अंदर, ग्राउंड वाटर भी होता है ज़मीन के अंदर, जो भी पानी बहुत सारा होता है वेल्स के ज़रिए निकालते हैं या हैंड पंप्स के ज़रिए निकालते हैं। आपको पता है हैंड पंप कैसा होता है, आपके घर में, हमारे स्कूल में भी हैंड पंप है, या कुएं के ज़रिए। तो इस तरह हम ये पानी हासिल करते हैं। लेकिन पानी जो है वो जो पीने के लिए पानी होता है वो ज़्यादा या वेल्स का या हैंड पंप्स का या स्प्रिंग्स का, इनका ज़्यादा अच्छा होता है, और रनिंग वाटर जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ओशंस का पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सके, क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चों, इसमें मैंने पहले बताया आपको, इसमें साल्ट ज़्यादा होता है। तो इस तरह हम ये पानी हासिल करते हैं। बारिश का पानी जो आता है वो जो था यहाँ ग्राउंड में अंडरग्राउंड हो जाता है कुछ, तो कुछ नदी नालों में जाता है, तो वहाँ भी हम हासिल करते हैं। तो इस तरह हम ये पानी हासिल करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल कल के लेक्चर में। तो तब तक के लिए।